मैं बाइक पे बैठूंगा, जिधर मुझे लगेगा मैं वहां निकल पड़ूंगा। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वंस अगेन, आपने लास्ट वाला व्लॉग तो देखा होगा जिसमें मैं राजस्थान में घूम रहा था, बट वो जर्नी वहाँ पे ख़त्म नहीं होती, उसके आगे मैं बढ़ रहा हूँ और उसका डेस्टिनेशन मैं आपको इतनी जल्दी नहीं बताऊँगा। एक्चुअली नॉर्थ की तरफ ही है, तो ईजी गेसेस होते हैं। मैंने लोगों को पता ही होता है कि अगर नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो वहीं पर जाऊँगा, बट एग्जैक्टली कहाँ पर जाऊँगा ये मैंने डिसाइड किया है, बट 50-50 है। समझ नहीं आ रहा है कि या इस तरफ जाऊं या उस तरफ जाऊं, बट देखते हैं। अभी तो सुबह उड़ गया हूं, अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है। निकलने की तैयारी भी कर ली है, इनफैक्ट सब कुछ पैक भी करके रख दिया हुआ है, तो बस निकलना है और आगे देखते हैं कि मैं कहाँ निकलता हूँ। मैं बाइक पे बैठूंगा, जिधर मुझे लगेगा मैं वहां निकल पड़ूंगा, तो देखते हैं। फिलहाल तो ब्रेकफास्ट कर लिया है, सब कुछ रेडी है, सब कुछ भर लिया है, लाइनर मैंने पहन लिया है क्योंकि मुझे पता है आगे बहुत ठंड होने वाली है। अब तक तो ठीक था, मैनेजेबल था, तो अभी मैंने ये से और लाइनर, विंटर लाइनर पहन लिया है और आगे चल के जैसे ही बाहर जाऊंगा, जहां रुकूंगा वहां का लोकेशन मैं आपको बताऊंगा, तो आपको समझ आ ही जाएगा मैं कहाँ पे आ गया हूँ। ठीक है, आप सोचते रहिए, गेस करते रहिए कि इसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। काफी लोगों ने गेस किया था, बट शायद रॉन्ग गेस किया हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहीं वहां नहीं जा रहा हूँ। बहुत से लोग बोले लद्दाख जा रहे हो, बट लद्दाख तो अभी पॉसिबल नहीं क्योंकि काफी ठंड होगी और वहां पे जाना एडवाइजेबल भी नहीं होगा इस समय पे। आई थिंक लद्दाख के लिए तो जून से लेकर सितंबर अक्टूबर तक ही बेस्ट सीजन होता है, उसके बाद में तो फिर नहीं, पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो मैं अभी निकलूंगा और जहाँ पे जाऊंगा वहां पे आपको लोकेशन दिखाऊंगा, तो तब तक आप बने रहिए। ठीक है, ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल। इसको देख के मुझे टेरी देख के याद आ गई, उत्तराखंड। बहुत ही जबरदस्त व्यू है यहाँ का। चलो चलते हैं, बहुत ही अच्छा नज़ारा है, देखते हैं क्या रिकॉर्ड हो पाता है इसके अंदर। ब्यूटीफुल यार।